हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड इज़ गुड विद सेबा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज होगा ट्विस्ट मैगी और पास्ते के साथ। तो जी हाँ, इस रेसिपी को आप भी ट्राई करिएगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने इसको बनाया था हॉस्टल में। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपसे आगे शेयर करूँगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, इंजॉय करिए रेसिपी को। तो चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। तो मैंने सबसे पहले करना है बॉयल पास्ते को, तो इसलिए मैंने ये 1.5 कप पास्ता था और मैंने 3 कप पानी ऐड कर दिया, जिससे कि अच्छे से बॉयल हो जाए। आप चाहें तो 1 विसल में कुकर में भी बॉयल कर सकते हैं। तो जब तक ये बॉयल हो रहा है, 5 से 6 मिनट के लिए आप इसको बॉयल होने के लिए रख दें और फिर उसी हॉट वाटर में छोड़ दें और फिर ड्रेन आउट कर लें। तो जैसे कि ये बॉयल हो चुका था और मैंने ड्रेन आउट कर दिया, कितना बेहतरीन बॉयल हुआ था। और ये 1 कटोरी मटर है, ये मैजिक मसाला और मैगी मसाले का पैकेट है, 2 मैंने मैजिक मसाले इसमें ऐड करे हैं, 2 छोटे साइज़ के टमाटर हैं, 1 प्याज है, कुछ प्याज मैं कच्ची ऐड करूँगी जो मैगी के साथ है। तो मैगी तो सब लोग बनाते हैं, बट ये थोड़ा ट्विस्ट है इसमें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इन्जॉय करिए रेसिपी को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तो जैसा कि तेल गरम हो गया था, मस्टर्ड ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया, प्याज। तो चलिए अपने YouTube फैमिली मेम्बर्स के साथ मैं शेयर करूँगी अपनी हॉस्टल की मेमोरेबल नाइट। जैसे कि हम लोग के एग्ज़ाम चल रहे होते थे, हम लोग बिल्कुल बिज़ी हो जाते थे, 20 दिन के लिए बिल्कुल बाउंडेड हो जाते थे, कोई मार्केट नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ रूम में रहना है, पढ़ना है और सिर्फ एग्ज़ाम देने चले जाना है। और जब एग्ज़ाम चल रहे थे हम लोग के, और जब भी एग्ज़ाम चलता था, हम लोग जैसे रात में पढ़ रहे होते थे और 1-2 बजे तो हम लोग को भूख लगना बिल्कुल कंपलसरी था, और सब पढ़ भी रहे होते थे। तो सोचा क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो बहुत ही क्विक हो, सिंपल हो और जल्दी से बन जाए। जब मुझे कुकिंग भी इतनी नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था कुकिंग, क्या कुछ नहीं आता था, फर्स्ट टाइम था हॉस्टल का। तो मैगी देखा, तो मैगी का सोचा 1 ही पैकेट, हमने कहा चलो गर्ल्स से अरेंज करते हैं। अरेंज करने गए तो फिर 1 ही मैगी का पैकेट मिला, किसी ने मैक्रोनी पकड़ा दी, किसी ने पास्ता पकड़ा दिया कि ये है ये ले लीजिए। रूम पर आ गए हम लोग अपने, हमने सोचा चलो अब इसी का कुछ करते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी, टाइम था नहीं, बस जल्दी पास्ता मैगी बना लिया। और वो इतना ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ था, इतना टेस्टी तैयार हुआ था, उसी की मेमोरी में मैंने ये रेसिपी को बनाया और आप लोग के साथ शेयर करा। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, पास्ता और मैगी की रेसिपी बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। तो आप मेरी रेसिपी पर कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, मैं क्या क्या कर रही हूँ। जैसे कि मैंने मटर को ऐड कर दिया था और मैं इसको लिड से बार बार कवर कर रही थी, जिससे कि मटर जल्दी से कुक हो जाए। और फिर मैंने इसमें टमाटर और चॉप्ड हरी मिर्च को ऐड कर दिया और लिड से मैंने फिर से कवर कर दिया जब तक सारी चीज़ें कुक हो रही हैं। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया मैगी के 2 पैकेट, मैंने कोई मैगी को क्रश करके नहीं डाला था, और जो कच्ची प्याज थी वो मैंने ऐड कर दी इस पर। आपके पास और भी वेजीज हैं, जैसे कि शिमला मिर्च है, गाजर है, आप वो भी ऐड इसमें कर सकती हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होता है, तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और वैसे तो मैगी सबकी ही फेवरेट होती है। वैसे आप लोग इसको मसाले के साथ फ्राई करें, बहुत ही टेस्टी और यमी बनकर तैयार होती है। तो मेरी फ़नी सी, इंटरेस्टिंग सी, मेमोरेबल स्टोरी हॉस्टल की मैगी पास्ता कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाटर, जो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, मैं इसमें बॉयल्ड वाटर ऐड करूँगी। अगर आपको पानी का अंदाज़ा ना हो, क्योंकि इसमें मैक्रोनी भी ऐड है, तो आप इसमें पहले कम ही पानी डालें, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, और जब ये ड्राई होने लगे तब आप इसमें बाद में ऐड कर दें वाटर। और मैंने इसको कवर कर दिया, जिससे कि अच्छे से कुक हो जाए सारी चीज़ें। और जो बाकी का मसाला था वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। इसमें मैगी के मसाले के पैकेट तो थे ही, और जो मैजिक मसाला का पैकेट होता है वो 2 पैकेट थे इसमें। तो बस लिड लगा दें और थोड़ा स्टीम होने दें,
जिससे कि सारे मसाले, मैक्रोनी, मैगी, मटर सब अच्छे से एक दूसरे में मिक्स अप हो जाएं। तो गैस ये बनकर तैयार हो चुका था मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए और मैंने इसको डिश आउट कर लिया। तो जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं और मेरे चैनल को जो हर एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, बिफोर 13 और अबव 65 प्लस भी लोग देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो मुझे प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।